तो दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख सकते हो जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसके आगे अंदर की साइड में जो टीन सेट डाला गया है, तो उसको भी यहाँ पर कितने प्यारे तरीके से सजा के डाला गया है। और सामने ही यहाँ पर आप देखोगे तो इधर पूरा आपको पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है, जो प्लेटफॉर्म की सुंदरता को और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा देता है। और नीचे के साइड पूरे आपको इस तरीके के यहाँ पर प्लांट देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर फूल लगाए गए हैं और ग्रीन प्लांट लगाए गए हैं, जो बेहद खूबसूरत यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बना देते हैं। साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर एक भी धूल का कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर की साइड बनाया गया है अंडरपास, जो यात्रियों को इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेकर जाता है। और रेलवे स्टेशनों की तरह यहाँ पर पुल नहीं बनाए गए हैं, रेलवे लाइन के ऊपर से जो पुल क्रॉस होते थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर रेलवे लाइन के नीचे से भूमिगत मार्ग बनाया गया है, जहाँ पर स्वचालित जीना आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, ये आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर पहुँच जाएगा। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो ऋषिकेश के न्यू रेलवे स्टेशन के ऊपर होने वाला है, जो ऋषिकेश के अंदर नया रेलवे स्टेशन बना हुआ है, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो बेहद ही खूबसूरत है। आप ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा रेलवे स्टेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एंट्री पे खड़ा हुआ हूँ, तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं वो योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का मेन गेट उधर है, जहाँ वो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर शिव भोलेनाथ की प्रतिमा लगाई गई है, और जो चारों तरफ का गार्डन है वो काफ़ी सुंदर है। इस साइड अगर देखोगे तो भोले बाबा की प्रतिमा के सामने यहाँ पर नंदी बाबा बैठे हुए हैं। इन पहाड़ी वादियों में ये रेलवे स्टेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन यहाँ पर ये हरे भरे गार्डन बना दिए गए हैं, जो भी आपको दूर दूर यहाँ पर ये गार्डन दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से रेलवे स्टेशन की सुंदरता में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करते हैं शिव भोलेनाथ की, जो यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये शिव भोलेनाथ की प्रतिमा रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेगी, और चारों तरफ ये हरा भरा गार्डन रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊंगा, रेलवे स्टेशन को अंदर की साइड से भी आपको दिखाऊंगा, जो बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इधर से ये आप देख सकते हैं सामने इस साइड में पैड़ी है, जो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर तक लेकर जाती हैं। और बाहर की साइड किस तरीके से ग्रीन प्लांट यहाँ पर लगाकर पूरे रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया है, और कितनी बेहतरीन ग्रीन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं योग नगरी ऋषिकेश न्यू रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट, जहाँ से हम एंट्री करके रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं, और ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा योग नगरी ऋषिकेश। तो जो रेलवे स्टेशन है अंदर की साइड से बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा रेलवे स्टेशन किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। योग नगरी ऋषिकेश न्यू रेलवे स्टेशन बाहर की साइड से बेहद ही खूबसूरत है, जिसको प्यारे प्यारे प्लांट से सजाया गया है, फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, और शुरू में यहाँ पर महादेव की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाती है। तो अंदर ले जाने से पहले मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। दोस्तों प्लेटफॉर्म के मेन एंट्रेंस से लेफ्ट हैंड साइड में आपको टिकट घर देखने को मिलेगा, तो उधर की साइड में देख सकते हो टिकट घर है, तो वहाँ पर जाकर टिकट घर से टिकट लेकर आते हैं। और टिकट लाने के बाद हम चलेंगे प्लेटफॉर्म पर, और आपको मैं दिखाऊंगा पूरा प्लेटफॉर्म अंदर की साइड से किस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हो, जिस साइड भी आप जाओगे चारों तरफ आपको यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक घंटे का भी अगर वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए, तो एक घंटा आपका कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों फाइनली टिकट ले लिया है, और इस टाइम मैं लेकर जा रहा हूँ आपको मेन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ट्रेनें आकर रुकती हैं। उससे बाहर की साइड आप देख सकते हो जो मेन एंट्रेंस है, तो उसे किस तरीके से बनाया गया है ऊपर की साइड से,
और नीचे की साइड से इधर देखोगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये लगाई गई हैं मशीनें, जिनमें सामान वगैरह चेक होता है और अंदर की साइड जाने वाले यात्रियों को भी यहाँ पर चेक किया जाता है। इधर की साइड इंक्वायरी काउंटर है, जहाँ पर आप किसी भी ट्रेन के बारे में किसी भी जानकारी को यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म टिकट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका मैंने 10 रुपये पे किया है और मैं प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर आ गया हूँ। और प्लेटफॉर्म का जो चारों ओर का व्यू है कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म के अंदर भी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी फ्लावर लगाए गए हैं, ग्रीन प्लांट लगाए गए हैं, जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके आगे अंदर की साइड में जो टीन सेट डाला गया है तो उसको भी यहाँ पर कितने प्यारे तरीके से सजा के डाला गया है। और सामने ही यहाँ पर आप देखोगे तो इधर पूरा आपको पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है, जो प्लेटफॉर्म की सुंदरता को और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा देता है। और नीचे के साइड पूरे आपको इस तरीके के यहाँ पर प्लांट देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर फूल लगाए गए हैं और ग्रीन प्लांट लगाए गए हैं, जो बेहद खूबसूरत यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बना देते हैं। साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर एक भी धूल का कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे पूरा फर्श इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कूड़ेदान के लिए यहाँ पर कूड़ेदान रखे गए हैं, जिसमें आप कूड़ा डाल सकते हैं। और ऊपर की साइड से इस तरीके से टीन सेट डाला हुआ है और पंखे लगाए हुए हैं। ट्रेनों का भी संचालन यहाँ पर शुरू हो गया है। उस साइड सामने आप देखोगे तो कुछ स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पर आप अपनी जरूरत के खाने पीने के सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है अंडरपास यानी भूमिगत, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यहाँ पर मार्ग बनाया गया है। यहाँ से आप 2 और 3 प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ये स्वचालित जीना यहाँ पर लगाया गया है और आपको यहाँ पर चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आराम के साथ यहाँ पर खड़े हो जाइए तो आपको ये जीना नीचे तक लेकर चला जाएगा। दोस्तों जो इस स्वचालित जीने से नहीं आना चाहता है तो इधर की साइड में रैक बनी हुई है, तो आप सीधे रैक से आ सकते हैं, जिस पे चलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इस बार हम रैक से चलते हैं। ये देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, एक भी पैड़ी नहीं है। तो यहाँ पर कोई व्हील चेयर वाला भी आता है तो वो आराम के साथ इसमें नीचे आ सकता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर उसको नहीं होगी। दोस्तों मैं फाइनली भूमिगत मार्ग से होता हुआ प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर आ चुका हूँ। इस साइड देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और उधर की साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और इधर की साइड जो ये रेलवे लाइन जा रही है, यही वो लाइन है जो हमारे चारों धामों को जोड़ेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों को जोड़ने वाली लाइन इधर से ही होकर गुजरेगी, तो यही वो लाइन है। और इस पहाड़ी के जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर यहाँ पर सुरंगें बनाई जाएंगी और सुरंगें बनाकर इस लाइन को पार किया जाएगा। और इस साइड से देखोगे तो ये सीधी हरिद्वार साइड से लाइन आ रही है और इस साइड को सीधी हमारे चारों धामों को ये लाइन जोड़ेगी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया ऋषिकेश का न्यू रेलवे स्टेशन और ऑल ओवर इंडिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना और वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।